हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं मैनेजिंग क्लास सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल लक्ष्य एकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों मौलिक अधिकार और कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में। ये पॉलिटी का दूसरा क्लास है दोस्तों, पॉलिटी का फर्स्ट क्लास इससे भी पहले आ चुका है, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिएगा। उससे भी पहले दोस्तों जियोग्राफी का दो क्लास आया है, वो वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, SSC, बैंकिंग, रेलवे, ग्रुप डी, NTPC, CBT 2 या फिर CGVAPAM, CGPSC, जिसकी भी तैयारी कर रहे हो दोस्तों, या फिर फोर्स से रिलेटेड CRPF, BSF, या फिर छत्तीसगढ़ में अभी हाल ही में आई भर्ती दोस्तों छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर की तैयारी करें, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का वर्णन है? बिल्कुल याद रखिए, संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का वर्णन है आपको पता होना चाहिए, भाग 3 में है दोस्तों। संविधान द्वारा हमें कितने मूल अधिकार दिए गए हैं? बिल्कुल याद रखिए, 6 प्रकार के मूल अधिकार दिए गए हैं हमें संविधान द्वारा। इनमें से एक और मूल अधिकार था दोस्तों, जिसे संपत्ति का अधिकार कहते हैं। संपत्ति अधिकार को दोस्तों याद रखिए, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाकर दोस्तों इसे कानूनी अधिकार कर दिया गया। स्टार्टिंग में दोस्तों संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार कहा जाता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार ना बताकर दोस्तों क्या बताया गया? कानूनी अधिकार बताया गया। याद रखिए, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। मूल अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? बिल्कुल याद रखिए, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में मूल अधिकारों का वर्णन है। मौलिक अधिकारों में विचारों की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? बिल्कुल याद रखिए दोस्तों, मौलिक अधिकारों के विचारों की उत्पत्ति इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा से मानी जाती है। बहुत ज्यादा MP क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सर्वप्रथम किस देश ने अपने संविधान में मौलिक अधिकारों को स्थान दिया? बिल्कुल याद रखिए, मोस्ट MP क्वेश्चन में से एक है दोस्तों। किस देश ने दिया था सबसे पहले मौलिक अधिकारों का वर्णन? फ्रांस से देखने को मिलता है दोस्तों। इन्होंने ही अपने संविधान में क्या किया था दोस्तों, सबसे पहले स्थान दिया था मौलिक अधिकारों को। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। संविधान में एकल नागरिकता का प्राविधान किस देश से लिया गया है? ये यार मोस्ट MP क्वेश्चन में से एक है, याद रखिए, जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं यार इस टाइप के क्वेश्चन, एग्जाम में डायरेक्ट पूछे गए हैं बहुत सारे एग्जाम में। संविधान में एकल नागरिकता प्रावधान किस देश से लिया गया? बिल्कुल याद रखिए, ब्रिटेन से लिया गया है। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट, बिल्कुल याद रखिए। मौलिक अधिकारों का प्रावधान भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? बिल्कुल याद रखिए, कहाँ से लिया गया है दोस्तों, अमेरिका से। देखिए, एकल नागरिकता का प्रावधान तो ब्रिटेन से लिया गया है, लेकिन मौलिक अधिकारों का प्रावधान बिल्कुल याद रखिए कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। अब आप बोलोगे यार मौलिक अधिकारों को सबसे पहला प्रावधान फ्रांस में दिया गया था और फ्रांस से हमारे इतने अच्छे संबंध है, तो फ्रांस से क्यों नहीं लिया गया? तो यार नहीं लिया गया था, बिल्कुल याद रखिए, मौलिक अधिकारों का प्रावधान भारतीय संविधान में अमेरिका से लिया गया है। मतलब कि हमारा जो संविधान है दोस्तों, मौलिक अधिकारों से रिलेटेड जो फैक्ट है वो अमेरिका के संविधान से मिलते जुलते हैं, बिल्कुल याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। वित्तीय आपातकाल प्राविधान संविधान में कहां से लिया गया? देखिए क्या बोला गया है, वित्तीय आपातकाल की बात की गई दोस्तों, कहां से लिया गया? अमेरिका से। आपातकाल मत सोचिएगा, वित्तीय आपातकाल की बात की है यहाँ पे, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नीति निर्देशक तत्व तो संविधान में कहां से लिया गया? मोस्ट MP को में से क्वेश्चन है यार, बिल्कुल रट डालो इस क्वेश्चन को, टिक कर लो अच्छे से, प्रॉपर कॉपी में नोट डाउन करो, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नीति निर्देशक तत्व संविधान में कहाँ से लिया गया है दोस्तों? बिल्कुल याद रखिए, आयरलैंड से लिया गया है। इसका दोस्तों अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है। और मूल अधिकारों का आपको बता चुका हूँ कहाँ से है, 12 से लेके 35 के बीच में, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है दोस्तों। समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया? ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, बिल्कुल याद रखिए, कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई? ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन यार मालूम। अब सर बोल आप बोल सोचोगे यार सर सभी को इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं, तो याद किसको करे किसको ना करे, अरे सभी को याद रखो यार, प्रॉपर नोट डाउन करो, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड है दोस्तों, डायरेक्ट एग्जाम में पूछे गए हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो एग्जाम में ना पूछा गया हो, इसलिए याद रखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है।
कि संविधान संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से अलग कर दिया गया। बिल्कुल याद रखिए, 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत दोस्तों क्या किया गया था, मौलिक अधिकारों से संपत्ति के अधिकार को अलग कर दिया गया था। बहुत ज्यादा एमपी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, इसलिए याद रखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस संविधान संशोधन को लौगिक संविधान भी कहा गया, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। बिल्कुल याद रखिए, 42वें संविधान संशोधन 1976 को मौलिक अधिकार क्या कहा गया दोस्तों, लघु संविधान कहा गया। क्यों कहा गया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। इसी संविधान संशोधन में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था दोस्तों, मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। और मूल कर्तव्य कहां से लिया गया हमारे संविधान में, बिल्कुल याद रखिए, रूस से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, रूस से लिया गया है मूल कर्तव्य, बिल्कुल याद रखिए। ये भी क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। किस अनुच्छेद में कहा गया है दोस्तों कि भारत राज्यों का संघ होगा, किसमें कहा गया था, अनुच्छेद 1 में कहा गया था दोस्तों कि भारत राज्यों का संघ है। किसी दिन हम आपके लिए दोस्तों पूरा अनुच्छेद से रिलेटेड एक पूरा प्योर लेक्चर लेके आएंगे दोस्तों, उसमें पूरे अनुच्छेद के ही बारे में बताएंगे, क्योंकि अनुच्छेद से रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों पॉलिटी में सबसे ज्यादा बनते हैं। सिक्किम राज्य की स्थापना किस संविधान संशोधन के अंतर्गत की, बिल्कुल याद रखिए, सिक्किम राज्य की स्थापना की बात की गई है, कब की गई थी दोस्तों, कब की गई थी वो आप कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मैं पिछले लेक्चर में इसके बारे में पढ़ा चुका हूँ। याद रखिए, 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम राज्य की स्थापना की गई थी। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। भारत का पहला ऐसा राज्य जहां सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर चुनाव हुआ था, बिल्कुल याद रखिए, पहला ऐसा राज्य भारत का जहां सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव हुआ था, बिल्कुल याद रखिए, मणिपुर में हुआ था। आप बड़े बड़े स्टेट का नाम याद रखोगे या, लेकिन मणिपुर का नाम याद रखिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि सबसे पहला वयस्क मताधिकार पर चुनाव इसी राज्य में हुआ था। शोषण के विरुद्ध अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया, बिल्कुल याद रखिए, अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण से विरुद्ध अधिकारों का वर्णन किया गया है। विधियों के समक्ष संरक्षण पद वाक्य की अवधारणा किस देश से ली गई है, बिल्कुल याद रखिए दोस्तों, कहां से लिया गया, अमेरिका से लिया गया है। विधियों के समक्ष संरक्षण, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद के प्रतिषेध का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, मोस्ट टाइम क्वेश्चन है यार, कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, बिल्कुल याद रखिए, अनुच्छेद 15 के अंतर्गत। जितने टाइप के मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों, सिर्फ इतना ही पढ़ लिया जाए यार, बता रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन इस लेक्चर से बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। जितना लेक्चर मैं ले रहा हूँ सिर्फ वही पढ़िए, उससे ज्यादा बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितने भी टाइप के मैं आपको एग्जाम बताया हूँ, सभी को एग्जाम में दोस्तों बिल्कुल इसी लेवल का ही क्वेश्चन आता है। ज्यादा हाई लेवल पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, एग्जाम में नॉर्मल क्वेश्चन ही आता है दोस्तों। हम ज्यादा हार्ड पढ़ने के चक्कर में ईजी छोड़ देते हैं, और एग्जाम में वही पूछा जाता है, इसलिए बिल्कुल याद रखिए। बस एग्जाम में क्वेश्चन को यार बार बार घुमा के पूछा जाता है, बिल्कुल यही क्वेश्चन रहता है, ध्यान से देखिए। अस्पृश्यता का अंत, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, याद रखिए। अस्पृश्यता का अंत का वर्णन किस संविधान के अनुच्छेद में किया गया है, बिल्कुल याद रखिए, अनुच्छेद नंबर 17 में किया गया है दोस्तों अस्पृश्यता के अंत का वर्णन। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। उपाधियों का अंत का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, अनुच्छेद नंबर 18। ये अनुच्छेद भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, उपाधियों का अंत का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया, अनुच्छेद नंबर 18 में। समता के अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया, बिल्कुल याद रखिए दोस्तों, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक का जो डिटेल है दोस्तों दिया गया है, इसमें समता के अधिकारों का वर्णन किया गया है। समता के अधिकार के अंतर ये चारों आते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18, बिल्कुल याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है दोस्तों, बिल्कुल याद रखिए, अभी ये समता के अधिकार की बात की गई थी यहाँ पे, स्वतंत्रता का अधिकार, बिल्कुल याद रखिए, अनुच्छेद नंबर 19 से 22 के बीच में स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट बनता है यार, बिल्कुल याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, बिल्कुल याद रखिए दोस्तों, क्या बोला गया, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन, बिल्कुल याद रखिए, अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में। इसके बाद आता है दोस्तों 29, उसमें याद रखिए जो धार्मिक संस्कृति होती है दोस्तों उसके संरक्षण के बारे में बात की गई है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, बिल्कुल याद रखिए, अनुच्छेद नंबर 32, और इसी अनुच्छेद को दोस्तों संविधान की आत्मा कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है दोस्तों, एग्जाम में ये भी कई बार पूछा गया है। डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? बिल्कुल याद रखिए अनुच्छेद नंबर 32 को। ठीक है दोस्तों, इसी को बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का प्रावधान। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है? बिल्कुल याद रखिए अनुच्छेद नंबर 20 जो है दोस्तों, ये अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। इसी में कहा जाता है दोस्तों कि आपको सूरज ढलने से पहले या सूरज ढलने के बाद गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। महिलाओं के संबंध में अधिकार दिया गया है दोस्तों। और दूसरी बड़ी चीज यहाँ पे ये भी कहा जाता है दोस्तों कि आपको 24 घंटे के अंदर अपना वकील रखने का अधिकार है। आपको किसी भी हवालात में दोस्तों 24 घंटे से ज्यादा नहीं रखा जा सकता, ये कहा गया है। प्राण व दैविक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? बिल्कुल याद रखिए अनुच्छेद नंबर 21 में किया गया है दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद नंबर 20, लेकिन प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता की बात की जाए तो अनुच्छेद नंबर 21। दोनों पॉइंट याद रखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यार, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, प्रॉपर नोट डाउन कीजिए, एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। सभी बच्चों के लिए शिक्षक अधिकार कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है दोस्तों? बिल्कुल याद रखिए अनुच्छेद 21 का, ये का है दोस्तों, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रखिए अनुच्छेद 21 का में इसकी बात की गई है। संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार को निलंबित करने की स्थिति किसके पास है? बिल्कुल याद रखिए राष्ट्रपति के पास है दोस्तों। संविधान के जितने भी मौलिक अधिकार है दोस्तों उनको राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है दोस्तों, राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू मेरे वीडियो देखने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यार आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ बेल आइकन पर हिट करना ना भूलिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। आपके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब से दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और ज़्यादा बेहतर वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो दोस्तों, कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दे सकूं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।